Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the 10th worksheet. Students, बहुत सारे students ने मुझे comment किया है कि मैं हिंदी में video क्यों नहीं बना रही हूँ, केवल English medium में ही बना रही हूँ. Students, हिंदी और English में ज़्यादा difference नहीं होता है, बस ऐसे ही हम एक हवा बना लेते हैं कि English medium है तो हमसे नहीं हो पाएगा. हिंदी और इंग्लिश में बेसिक यही है कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका हिंदी में मतलब थोड़ा अलग हो जाता है और इंग्लिश में उनको हम कुछ और बोलते हैं. जैसे अभी अपने चैप्टर का नाम ले लीजिए, इंग्लिश में इसको फेडरलिज्म कहेंगे और हिंदी में इसको संघवाद कहेंगे. आज मेरी कोशिश है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये 10th वर्कशीट करा पाऊँ. और यदि आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आता है तो आप एक बड़ा सा लाइक, यानी कि मेरे वीडियोस को ढेर सारे लाइक दीजिएगा. और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा लें. और उसके साथ एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लें. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल फ्री हैं, इनको आपके कोई फ़ीस नहीं देनी है. बस इनसे इतना बेनिफिट हो जाएगा, आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं जब भी कोई वर्कशीट की वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगी और आप उस वर्कशीट को देख पाएंगे. सेकंड थिंग, मैंने आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट चैप्टर आपका पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी, एंड सेकेंड है फेडरलिज्म यानी संघवाद. आपको इन दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है. मैं इस वीडियो के लास्ट में दोनों चैप्टर्स के वीडियो के लिंक आपको दे दूंगी. मेरा सजेशन यही होगा कि पहले आप उन दोनों चैप्टर्स को वहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए ये वर्कशीट जस्ट, आप कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल होगी. आप इसको यूँ फटाफट सॉल्व कर पाएंगे और इससे आगे आने वाली भी वर्कशीट्स जो हैं उनके आंसर्स आप एक बार पढ़कर ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है और क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट है, व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म या संघवाद सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें सरकार की पावर्स यानी शक्तियों को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल मैनर में दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू लेवल्स पे हम डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. स्टूडेंट, सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग मैनर होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और उन्हीं तरीकों में से एक है ये वर्टिकल मैनर या ऊर्ध्वाधर वितरण. मैं आपको समझा पा रही हूँ कि जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हैं? ओके. तो अब फेडरलिज्म यानी कि वर्टिकल जो मेथड है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं. हेयर इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसके अंदर जो पावर है वो थ्री लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटी या पंचायत. म्यूनसिपैलिटी आपको सिटीज़ में देखने को मिलेगी और पंचायत आपको गाँव में देखने को मिलती है. आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि बहुत सारी छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे नगर मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं और बहुत सारे स्टेट मिलकर के एक सेंटर गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि केंद्र बनाते हैं, जैसे कि इंडिया. अब प्रांतीय लेवल पे जो सरकार हैं वो हैं म्यूनसिपैलिटी और पंचायतें. ये जो अपने अपने सर्कल के अंदर डिसीज़न लेने के लिए फ्री होते हैं. सेकंड होती है स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, हरियाणा में मनोहर खट्टर की सरकार है,
पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, और फिर सबसे ऊपर यानी कि केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अब आपने एक कॉमन सी चीज़ देखी होगी कि क्या जो लोग यानी कि जो नगर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? क्या वो केवल उस आप रोहतक दिल्ली रोहिणी, क्या सिर्फ आप रोहतक दिल्ली रोहिणी के ही सिटीजन हैं? क्या आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, या आप पूरे दिल्ली के सिटीजन नहीं हैं? ऑब्वियसली हैं। यहाँ पर मैं आपको फीचर्स भी समझा रही हूँ साथ साथ, यानी कि जो लोग लोकल लेवल पे रह रहे हैं वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, या वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। सबसे नीचे लेवल पे प्रांतीय सरकार, फिर राज्य सरकार, और सबसे ऊपर होती है हमारी संघीय या केंद्र सरकार। अब हम इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स पहला वही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं, ये हमने अभी बात की। वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, यही मैं आपको समझा रही थी कि जो रोहिणी में रह रहा है वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर आता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंटर गवर्नमेंट हो, या लोकल गवर्नमेंट हो, ये तीनों ही सेम सिटीजन को रूल करते हैं। सेकंड, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, उनको किस किस क्षेत्र में जाकर काम करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन किया गया है। वेरिएशंस इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यदि दोनों को, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो उन दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और यदि कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो तो जो कोर्ट्स हैं वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं। और मेरे सर्कल में कौन से सिटीज आते हैं, या स्टेट के सर्कल में कौन सा एरिया आता है, कहाँ से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कहाँ से हमें टैक्स मिलेगा, इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से उनके सोर्सेज डिफाइन किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा ना हो। और फेडरल सिस्टम के अंदर जो चलता है उसके टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उनके बीच में, और साथ रहने का एक एग्रीमेंट होता है। ये आपकी वर्कशीट की फ़ोटो है जो मैंने एज इट इज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पेस्ट की है। इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये भी फीचर्स ही हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन करे थे। फर्स्ट है टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन फॉर गवर्निंग ओवर द सेम सिटीजन्स, एक ही नागरिक के समूह पर शासन करते हुए इनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। हमारी जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो जो भी डिसीजन लेती है वो फ्री एंड फेयर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कैन नॉट बी डन अनलिटरली, संविधान संशोधन यानी कि संविधान के अंदर उन्हें कोई चेंज करना है, संशोधन का मतलब है हम उसको बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए दोनों टाइप्स की गवर्नमेंट की अनुमति ज़रूरी है। एंड सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य यानी कि यूनिटी यानी कि मिलजुल कर रहने की एक जो फीलिंग है उसको इम्पोज करती है, उसको इंक्रीज करती है। तो हेयर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ चुके हैं
कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, और इसके फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं संघीय सरकार की। एंड ये दोनों वर्कशीट हैं जो मैंने साथ साथ ही पेस्ट करी हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं वर्कशीट पेस्ट नहीं करती हूँ, मैं वर्कशीट्स आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ। तो शायद मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया कि मेरी हर वर्कशीट, मेरी हर वीडियो में ऑलमोस्ट वर्कशीट मैंने पेस्ट की है ताकि आपको सुविधा हो उसको समझने में। यदि कोई टॉपिक उसमें से रह गया है तो आप मुझे देखकर बता सकें। तो मैंने इस बार भी दोनों ही साथ साथ, क्योंकि मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में ही इस वर्कशीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मेरी ये कोशिश यदि आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मेरे लिए मोटिवेशन होती है। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहला है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी और संघवाद में क्या अंतर है। ये मैंने दोनों ही फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना ज़रूरी है, जिसके लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, आप वहां से एक बार ज़रूर देखिए। सेकंड है, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है, समझाइए। अभी तो मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर भी होता है क्यों, और संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है, आपको एग्जांपल्स देकर समझाने हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म अ फॉर्म ऑफ द डिवीज़न ऑफ पावर, जो डिवीज़न पावर शेयरिंग है उसका कैसे एक फॉर्म है फेडरलिज्म, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्या हमारी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के वो क्यों हैं, एंड फेडरल सिस्टम का जो गवर्नमेंट है वो लोगों को एक क्वालिटी लाइफ देने में कैसे हेल्प करता है, आपको एग्जांपल्स के साथ इसे एक्सप्लेन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।